ये है गवर्नमेंट रेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुकी थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको मैं आगे और दिखाती हूँ। आज एक छोटा सा ब्लॉग है जो कि है मेरे ऑफिशियल विजिट पे। यहाँ जिस प्लेस पे मैं ठहरी हूँ ये एक रेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। मेरा यहाँ ऑफिशियल काम से आना हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप कितनी ग्रीनरी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये जगह। और मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है बच्चों के लिए, तो वो जल्दी ही रोल आउट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आई थी। मैं आपको यहाँ की ग्रीनरी और ब्यूटी दिखाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। सो वॉच दिस ब्लॉग टू द एंड। सो ये मुझे रूम अलॉट हुआ था। अब समय है हमारे नाश्ते का। सो नाश्ते में क्या है देखते हैं। ये है पोहा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। एंड मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितना क्लीन है। और आगे भी एक रूम है जहाँ पे एक छोटा सा अलमीरा है एंड ये वॉशरूम है। और यहाँ से इसका व्यू आप देख सकते हैं, सो पीसफुल। खिड़की से हल्की हल्की धूप आ रही है। बहुत ही प्यारा मौसम था, तो उस प्यारे मौसम को देखने के लिए अब हम बाहर चलते हैं। एक्साइटेड, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करते हैं रेस्ट हाउस में। एंड यहाँ पर आपको एक पार्क जैसा दिखाई देगा, मतलब गार्डन। एंड आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये जो पिंक कलर का छोटा सा आउट हाउस है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ प्लान्स हैं और एरिया बहुत ही सुंदर लगा मुझे। अब आगे चलते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जो मूवीज़ में होता है ना कि एक आउट हाउस होता है और वहाँ पे हम ठहरते हैं और भूतिया होता है, मतलब इस तरह का हल्का सा मुझे लगा। बाकी है तो बहुत ही सुंदर। इट्स लाइक ऊटी और ऐसी बहुत ही ठंडी जगह, बट ऊटी नहीं है ये, ये है छत्तीसगढ़। सो यहाँ पे मैं ठहरी थी। और आगे देखते हैं हम अंदर। इसी के बाजू में ये घर है जहाँ पर मैंने नाश्ता किया और शाम की चाय पी। ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे, आपको भी बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। सो देखते हैं हम यहाँ पर। न्यूज़पेपर भी है तो वो भी पढ़ा मैंने। और वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत सुंदर लग रहा है, पेड़ का आप देख सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। सो ये पूरा इलाका है और यहाँ पे तो सारा गार्डन ही है। अब देखते हैं कहाँ पर खाना बनता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये जो येलो कलर का घर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर किचन है। और थैंक यू, पहली बात तो उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। यहाँ पे ब्लॉग होता है एंड थैंक यू।